press the bell icon on the YouTube app and never. अभी कुछ जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया इज भारत पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार सोहेब चौधरी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और ये दोनों चर्चा करेंगे हमारे प्यारे देश भारत पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट मजेदार और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। आपके हवाले से आपने बात की तो बहुत बड़े बड़े, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं, चाहे वो इंडिया के अंदर बैठे हैं या इंडिया के बाहर बैठे हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया में बेरोजगारी बढ़ती नजर आ रही है और जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं या मौजूदा गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ चंद अमीर लोग, जो 10-20-25-30 अमीर लोग हैं, उनके लिए, उनकी खिदमत के लिए है। आम जो पब्लिक है, आम जनता है, उसकी जॉब की, उसकी रोजगार की, उसके लिए जो सा है फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। क्या कहना चाहेंगे जॉब्स के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से इंडिया में? देखिए शोएब, हमने अपनी जिंदगी में बहुत तरीके के कॉकरोचेस देखे हैं। एक जर्मन कॉकरोच होता है जो बहुत हानिकारक होता है। अब जर्मन से बैठे बैठे अगर कोई कॉकरोच उड़ करके भारत के वासियों के कंधे पर बैठने की कोशिश करेगा तो वो हम बैठने नहीं देंगे। हमारा यूपीए, मतलब कांग्रेस और उनके अलायंस की जब पार्टी थी 2004 से 2014 तक, तो उन्होंने 27 मिलियन जॉब प्रोवाइड किया था। ये ऑन डेटा है, कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है। 10 साल एनडीए गवर्नमेंट रही मोदी जी के नेतृत्व में, 85 मिलियन जॉब 8 साल में प्रोवाइड किया गया और क्रिएट किया था, 85 मिलियन जॉब। अब मैं आपको एक प्रूफ दे देना चाहती हूँ, जो अभी आपने कहा कि सिर्फ मुसलमान महिलाएं क्या लाइन लगा रही हैं, ऐसा मिलना था इसीलिए 8,500 महिला ऐसा आएगा, उसके 8,000-8,500 जो भी है, राहुल गांधी जी ने जो बताया है उसी के लिए फॉरम हम लोग लेने आए थे। पता है जरा, कभी 4 बजे आओ, कभी 12 बजे आओ, फॉरम ही नहीं गया है तो फॉरम के चक्कर में गए होगा कि फॉरम नहीं है, तो कम से कम अगर देना है सरकार को देना होगा देगी। 1-1 लाख रुपए वाला ये जो स्कीम है, इसका पैसा मिलेगा महिलाओं को। मोस्टली जो लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी से हैं। नाज़िया जी, आपने जॉब्स के हवाले से जैसे आप बात कर रही थी, तो इसे कंप्लीट करिएगा कि क्या बेरोजगारी है या खत्म होती नजर आ रही है, फिर उसके बाद हम मीडिया के ऊपर भी बात करेंगे। और मतलब देखें, मेरा काम है क्वेश्चन करना, आपका काम है आंसर करना, और देखने वालों का काम है उसको डिसाइड करना कि क्या गलत है क्या ठीक है। जॉब्स के हवाले से आप बात अगर कंप्लीट कर चुकी हैं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। शोएब, अगर हम किसी देश में, मैं भारत की ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी देश में एक छोटा सा शॉपिंग मॉल भी बनता है ना, तो वहां पर भी जॉब क्रिएट होता है। एक एयरपोर्ट बनता है तो जॉब क्रिएट होता है, एक इंडस्ट्री बनती है तो जॉब क्रिएट होता है, एक रेल आता है उसका इनॉग्रेशन होता है तो उसमें भी जॉब क्रिएट होता है, एक मेट्रो रेल बनता है तो उसमें भी जॉब क्रिएट होता है, एक बहुत आलिशान होटल और रेस्टोरेंट बनता है तो उसमें भी जॉब क्रिएट होता है। अब देश की जनता और पाकिस्तान की जनता गूगल से डेटा निकाले कि हमारे यहाँ कितनी नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, कितने हाईवेज बने, कितने टोल टैक्स बने, कितने रेस्टोरेंट्स बने, कितने रेलवे, वंदे भारत रेलवे का इनॉग्रेशन किया गया, कितनी फैक्ट्रीज बनी, कितनी मीले बनी, कितने एयरपोर्ट्स नए बने, कितने एम्स के हॉस्पिटल्स नए बने। तो ये जितनी चीजें बनी है पिछले 10 साल में एनडीए सरकार के भीतर मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसमें जॉब क्रिएट तो हुआ ना। वो खाली अकेला दर दीवार तो नहीं बैठा हुआ है ना, उसमें तो काम हो रहा है। मेरा एक लीगल फर्म है, कान लीगल सॉलिसिटर फर्म, तो क्या उसमें सिर्फ मैं बैठती हूँ? उसमें 72 जूनियर्स काम करते हैं, तो जॉब क्रिएट हुआ ना। 72 जूनियर्स उसमें काम करते हैं तो जॉब क्रिएट हुआ। तो जब आप सोचो कि 2 कमरे के एक लीगल फर्म में 72 जॉब क्रिएट हुआ और 2 रिसेप्शनिस्ट और 2 मेरे PAs, तो कितना हो गया? ऑलमोस्ट 79 जॉब क्रिएट हुआ। तो अगर एक एक एयरपोर्ट नया बन रहा है तो उसमें तो लाखों जॉब क्रिएट हो रहे हैं। तो ऐसे कितने एयरपोर्ट बने हैं, आप डेटा निकालिए, ठीक है? ऐसे कितने अस्पताल बने हैं, डेटा निकालिए, ऐसे कितनी फैक्ट्री बनी है, डेटा निकालिए।
इसके अलावा हम हर दूसरे दिन चौथे दिन सुनते थे आज ये कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, आज ये कंपनी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी इंडिया में अपना प्लांट लगाने जा रही है, और बहुत सी चीजें हम सुनते हैं। नाजी जी, दूसरी चीज जो थोड़ी मैंने अब भी नोट, देखिए, मोदी जी ने शपथ लिया, जी ठीक है, मैं उस शपथ समारोह में मौजूद थी, मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मैं अपने आप को बहुत ऑनर फील करती हूँ। और कल की पहली फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में 3 करोड़ एडिशनल पीएम आवास योजना के तहत उन्होंने सेंक्शन कर दिया कि 3 करोड़ घर इमीडिएट कंस्ट्रक्ट करके लोगों को पहुंचाओ, रूरल और अर्बन एरिया में। कल कल की बात, ठीक हो गया। कल 3 करोड़ घर, मतलब बैठना नहीं है, होमवर्क 100 दिन का रेडी है, 100 डेज का होमवर्क रेडी है हमारा भी और भारत के प्रधानमंत्री का भी। ठीक है, चलें नादिया जी दूसरे नंबर पे मीडिया को लेके। देखें, जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट आते नजर आ रहे थे तो बहुत से आपके मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल, बहुत सी ऐसी एजेंसीज, मीडिया एजेंसीज ये कहती नजर आ रही थी कुछ, मतलब आपसे भी एक प्रोग्राम किया था, आप कह रही थी जिसमें आपने बोला कि भाई प्री पोल में ये नजर आ रहा है, कोई 410 कह रहा है सीट मिल रही है बीजेपी को, कोई कह रहा है मतलब वो अलायंस को, कोई 410 कह रहा है, कोई कह रहा है 390 मिल रही है, लेकिन जो रिजल्ट आया उस तरीके से नहीं आया। उसे कहीं ना कहीं ये तासुर नहीं जाता, या कोई मतलब थोड़ा सा एक माइंड में आता है कि इसका मतलब है जो मीडिया था वो गवर्नमेंट के या नरेंद्र मोदी की जो पार्टी है उनके कंट्रोल में था, या थोड़ा सा एक मतलब जो जाए, क्या कहना चाहेंगे इसके हवाले से आप, मतलब जो कहा वैसे जाता तो है आपके मोदी बारे में मीडिया, भी गोदी मीडिया ये चीजें। शोएब, वैसे तो आपके बारे में भी ये उड़ाया जाता है कि आप भारत से पैसा लेकर के भारत के कंटेंट पर भारत के काम पक्ष में करते बनाते हैं हैं अपने जी, व्यूज, काम करते हैं, तो क्या ऐसा है क्या? ये तो बिल्कुल आपको भी पता है मुझे भी पता है, और इसके लिए तो मैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके सफाई दे क्योंकि सकता हूं अपना। हर एक मीडिया अपना अपना एग्जिट पोल का मतलब ही होता है अनुमान, एग्जिट पोल का मतलब ही होता है कि हमने अंदाजा। एक अंदेशा लगाया है, हमने एक अंदाजा लगाया है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का एक भी सीट नहीं आई, पर ठीक है, एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था। अरुणाचल प्रदेश में एक भी सीट कांग्रेस की नहीं, दिल्ली में एक भी सीट किसी की भी नहीं, सात की सातों सीटें हमारी, पर एग्जिट जी पोल में 2 सीटें दिखाई जा रही थी इंडिया अलायंस की। हिमाचल प्रदेश में इंडिया अलायंस की एक भी सीट नहीं, जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की एक भी सीट नहीं, मध्य प्रदेश में इंडिया अलायंस की एक भी सीट नहीं, त्रिपुरा में इंडिया अलायंस की एक भी सीट नहीं, उत्तराखंड में इंडिया अलायंस की एक भी सीट नहीं, छत्तीसगढ़ में एक सीट, गुजरात में एक सीट, ओडिशा में एक सीट, वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की एक सीट। तो इन पर भी दिखाया जा रहा था कि अच्छा खासा रिजल्ट कांग्रेस का आने वाला है, पर नहीं आया। तो ठीक है, एग्जिट पोल इज नॉट अप्रोप्रिएट, एग्जिट पोल एक लमसम होता है, एक आइडिया होता है। अब एनडीए पर हम आते हैं, एनडीए ने तो 303 कर ही लिया, हाँ बिल्कुल, अभी 300। 303 हो ही गया एनडीए को लेकर के। अब आती है बात श्रेय, प्रैक्टिकल बातें। मोदी जी एज अ गार्जियन, उनके नेतृत्व में उन्होंने अपने पार्टी को, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनसे उनसे एक अपेक्षा रखी कि इस बार 400 पार होगा। अब होता क्या है कि सिर्फ मात्र बीजेपी को 240 आया, जी हालांकि हालांकि अगर आप आंकड़ा देखिएगा तो 3 बार के लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस 240 नहीं पहुंचा है। अगर सबको 15 साल मिला भी जोड़ा जाए, सबको मिला के भी जोड़ा जाए, तो भी 240 नहीं पहुंचा है, ठीक और है, 99 सीटें ला करके कांग्रेस ढोल बाजा ताशा बताशा सब कर रही है। 99 सीटें, मतलब कांग्रेस अपनी औकात समझ रही है कि उसको 99 सीटें मिलनी ही नहीं चाहिए थी, 99 मतलब बहुत ज्यादा मिल गया। अब एक बच्चा स्कूल का होता है जो 90% मार्क्स लाने के बाद भी वो खुश नहीं रहता है, वो सोचता है कि 10 और आना चाहिए था और 100 पूरा होना चाहिए मतलब था, उसकी और एक बच्चा एक्सपेक्टेशन होता ऐसी है, थी कि हाँ, भाई मैंने वर्क किया है, मैंने मेहनत किया है, या जो भी और मतलब, या एक उसे ऐसा बच्चा लग रहा है शोएब, कि लोग मुझे मतलब डेफिनेटली अगर मैंने किसी के लिए एग्जैक्टली, काम किया तो वो मुझे वोट देंगे। ठीक और है, एक बच्चा ऐसा होता है शोएब जो 35 नंबर ला करके, पास मार्क्स ला करके ढोल बाजा ताशा लड्डू मिठाई सब बांटता, रहे हम तो 35 ले आए, तो हम उनमें से हैं जो हम 90% ला करके भी हम 4 दिन सो नहीं पाए कि क्यों हुआ। हमने वोट अपने अपने सारी होमवर्क को पूरा करके और जनता के हित में काम कर करके हमने वोट मांगा था, लेकिन जनता सर्वप्रिय होता है, जनता सर्वमत्य होता है, जनता को जो सही लगा उसने किया और हमने उसको एग्जैक्टली एक्सेप्ट किया। हमने हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि जनता ने हमें वोट क्यों नहीं दिया, रे उसकी मर्जी है, और हम अपनी गलतियों को देख रहे हैं कि हमसे चूक कहाँ पर हुई है।
कौन सा ऐसा संवाद है, कौन सा ऐसी बात है जो हम जनता को सही से समझा नहीं पाए, और एक झूठ का पलीदा और एक झूठ का चूरन खटाखट 1 लाख रुपए का, जनता उस झूठ से कैसे कन्विंस हो गई? ठीक हो गया आज देखिए, ये। मोदी जी ने अपने शपथ से एक दिन पहले जब पुराने पार्लियामेंट पे स्पीच दिया तो उन्होंने कितना अफसोस जाहिर किया कि ये हमारी माता बहनों की बेइज्जती हो रही है जो कांग्रेस द्वारा हो रही है। इन्होंने 1 लाख रुपए का जो वायदा किया था इनको पूरा करना चाहिए। ठीक है, और 100 बातों की एक बात जो मैं अपनी एक ओपिनियन देना चाहूंगा, खास तौर पे पाकिस्तान से बैठ के पाकिस्तानी मीडिया की अगर बात करना चाहूंगा। वैसे तो हर बात पे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये दिखाया जाता है कि इंडिया में ये चीज गलत हो रही है, ये चीज गलत हो रही है, लेकिन इसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी अप्रिशिएट किया कि इंडिया में इलेक्शंस के बाद और रिजल्ट आने के बाद किसी ने ये रोना, खास तौर पे दोनों मतलब इवन अपोजिशन की बात की जाए या दोनों साइड की बात की जाए, ये नहीं कहा जी रैगिंग हो गई, धांधली हो गई, बिल्कुल दोनों साइड से ये एक्सेप्ट किया गया। और बिल्कुल ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी जीत है डेमोक्रेसी की, बहुत बड़ी जीत है बिल्कुल, इंडिया की। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी और दबंग शेरनी नाज़िया लाई खान जी ने ना सिर्फ बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में, बल्कि जर्मनी में बैठे कॉकरोच यानी ध्रुवराठी को उसको भी आड़े हाथों लिया और बात की मोदी जी की तीसरी टर्म की सरकार यानी मोदी 3.0 के बारे में, और खासकर जैसे खुद नाज़िया अली खान जी वहां पे उपस्थित थी, यानी कि जब मोदी जी की शपथ समारोह थी तब नाज़िया अली खान जी वहां पे थी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोज लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।